नॉलेज इनको चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार गुप्ता, कृषि मोटिवेशनल स्पीकर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज कुछ हम लोग नए चैप्टर पर कुछ बात करते हैं। तो टॉपिक थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, एलआईसी का नाम होते हैं, टॉपिक में थोड़ा सा अलग भी रखते हैं। इसी के साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल इंडिया ने जो है ट्विटर पर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है कि इन्होंने पास्ट 25 इयर्स में यानी कि 25 साल से ये रेगुलर कंपनी वर्क कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसको इस कंपनी में आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो है भारत में सर्वप्रथम 5G नेटवर्क को लॉन्च किया और इसकी सर्विसेज को लॉन्च किया पूरे कमर्शियल नेटवर्क में, जो कि हैदराबाद सिटी में इन्होंने लॉन्च किया है। एयरटेल का 5G रेडी है और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। और इस सर्विस को देखते हुए बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और कस्टमर्स इनके और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, टेलीकॉम सेक्टर के में एयरटेल ने जो है बहुत ही अच्छी सर्विस को अनाउंस किया है, यानी कि 5G रेडी सर्विस नेटवर्क को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने एयरटेल ने साफ साफ बोला है कि हमने जो है हैदराबाद में 5G सर्विस को लॉन्च किया है, जहां पे 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम के साथ NSE यानी कि नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के साथ, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया 28 जनवरी 2021 को। ये एयरटेल की एक प्रकार से जीत है फ्रेंड्स। और टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि इसके नेटवर्क काफ़ी उनिंदा और बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं और इसकी कॉल की सर्विस तो काफ़ी अच्छी है। ये साथ साथ इसने अपनी इंटरनेट की स्पीड को भी फास्ट बनाया है और 5G सर्वप्रथम भारत में जो है लॉन्च करके इसको जो है काफ़ी बेस्ट बनाया है। टेलीकॉम में अगर माना जाए तो जो पहली अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री है जिसने 5G सर्विस लॉन्च किया है तो वो कमर्शियल नेटवर्क में वो है हैदराबाद में एयरटेल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो है 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के द्वारा जो है NSE यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है लोगों को जो काफ़ी अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब लोगों को जो है अब 4G से हट के जो है लोगों को 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में के लिए उनको टेलीफोन्स चाहिए होंगे, मतलब कि मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स चाहिए होंगे जो 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बेस्ड हो। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, उन सभी दर्शकों के लिए। नॉलेज इन्फो के इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।